सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सुधांश सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकल प्रोसेसिंग और वोकल लेयरिंग के बारे में। सो बेसिकली कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी थी जो था इंतज़ार का कवर, और आज मैं उसकी वोकल प्रोसेसिंग मैंने किस तरह से करी वही आपके सामने बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किया है, मैंने कैरियोके खुद से नहीं बनाया, बिकॉज ऑब्वियसली जस्ट एक कवर के लिए मैं कैरियोके बनाऊंगा, थोड़ी सी हार्ड वर्क हो जाएगा, तो आई डिड सम स्मार्ट वर्क हियर। तो यहाँ पर मैंने कैरियोके निकाला है, और कैरियोके किस तरह से निकालना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं हम। ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सट्रैक्टेड टाइप का साउंड है, क्योंकि इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। इससे बेटर तो बस यही होगा कि मैं अरिजीत सिंह के मैकबुक में जाऊँ और वहाँ से चोरी करूँ सॉन्ग को। खैर वो मैं चीज़ नहीं कर सकता, फिलहाल जो फाइनल रिजल्ट है। बट बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सॉन्ग राइटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग की सर्विस ओपन कर चुकी हैं। तो अगर आपको मुझसे म्यूजिक प्रोडक्शन करवानी है या मिक्सिंग करवानी है तो मुझे तुरंत इंस्टाग्राम या मेल पर मैसेज करें। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में कि यहाँ पर काफ़ी सारी वोकल्स रिकॉर्ड करी हैं। अगर मैं गिनूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वोकल्स रिकॉर्ड करी गई हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ और वोकल्स आती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड किया गया है। इसका क्या मतलब है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि सॉन्ग बेसिकली ऊपर की जो चीज़ है वो तो हमारा इंस्ट्रूमेंटल है। देखते हैं आखिर इसमें मैंने क्या प्रोसेसिंग करी है। वैसे बहुत कम प्रोसेसिंग करी होगी टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं लगी है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले कि इंस्ट्रूमेंटल में क्या प्रोसेसिंग हुई है, उसको छोड़ देते हैं। हम चलते हैं अपनी वोकल्स पे। तो बेसिकली उसी के लिए ट्यूटोरियल बनाया, राइट। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। लेट्स टेक अ लुक एट वोकल्स, और मैं यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सब ऑफ कर दूंगा। एक दफा फिर से जिंदा ये हुआ था। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो ये मेरी बिल्कुल रॉ आवाज़ है, जिसमें एक भी इफेक्ट नहीं लगाया, राइट। बहुत गट्स लगते हैं ऐसा करने के लिए, मैं करता हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि आपको सिखाना है। तो ये हमारी वोकल है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है NS1 मोनो, विच इज़ जस्ट मोनो प्लगइन, जो कि साथ साथ इसका नॉइज सप्रेस कर देता है, जो थोड़ी सी नॉइज आ रही थी, जस्ट हल्की सी नॉइज सप्रेस हो गई, दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक EQ, और EQ में मैंने आप देख सकते हो थोड़ा सा हाइज बूस्ट करे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिड्स बूस्ट करे हैं, और लो को कट किया है। फिर कहीं दिल ने महसूस की, जो कैरियोके की साउंड आ रही थी, जो रंबल थी, वो भी इससे हट चुकी है। अगर हम नेक्स्ट प्लगइन देखिए तो यहाँ पर मैं लगाया है ऑटोट्यून आर्टिस्ट, विच इज़ एन ऑटोट्यून प्लगइन ऑब्वियसली, जो कि उसको थोड़ा सा और अच्छा टच देता है। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। इतना भी ज़्यादा ऑटोट्यून नहीं डाला है कि आपको बिल्कुल एक कान में भा जाएगा, बट ये है कि वोकल्स काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती हैं उस चीज़ से। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर एक लिमिटर, एक कंप्रेसर। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। एज यू कैन सी यहाँ पर जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो वोकल जितना ज़्यादा स्मूथ हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा बैक में हो उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज रोमांटिक सॉन्ग्स में जनरली हमको यही करना होता है, हमको वोकल को स्मूथ बनाना होता है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है वालहला रूम, और उससे मैंने अगेन इसको थोड़ा सा पीछे पहुँचाया। फिर कहीं दिल ने, फिलहाल अभी ये 7.8% पे है, अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम ले जाऊं। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। तो ये जो अभी आप रिवर्ब सुन रहे हो, ये रिवर्ब बेसिकली हमारे वोकल के पीछे पीछे चल रहा है, जो कि इस वोकल को थोड़ा सा वाइड करने में मदद कर रहा है। काफ़ी सारे और ट्यूटोरियल्स में भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि वोकल में डायरेक्ट आप रिवर्ब भी डाल सकते हो, थोड़ा सा उसका जो डीके होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, प्री डेरे भी थोड़ा ठीक ठाक होगा उसमें, ठीक है। उससे होगा क्या, बेसिकली हमारी वोकल्स जो है ज़्यादा वाइड साउंड करेगी, और हमारे वोकल्स को जो है सॉन्ग में घुलने मिलने के लिए थोड़ा अच्छा स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद मैंने डाला है एक और EQ यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने जस्ट एक हल्का सा यहाँ पर कट किया है, मे बी मेरे को कोई रेजोनेंस वगैरह साउंड आ रही होगी, उसकी वजह से कट कर दिया, और जो लो रंबल थी वो अगेन काट दी, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अभी मैंने रिवर्ब नहीं डाला है, मतलब जो मेन रिवर्ब है, एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है वोकल, लेकिन अभी तक हमारे कैरियोके के साथ घुली मिली नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसमें जस्ट एक रिवर्ब प्लगइन डाला है, और यहाँ पर आप देखते हो 100% का मिक्स लेवल है, प्री डिले करीबन 11 सेकेंड का है, 11 मिलीसेकंड्स का है, और जो डीके है वो है 3 सेकेंड का। काफ़ी सही, और थोड़ा सा मैंने EQ के साथ भी खेला होगा आई गेस,
तो उसके बाद ये कुछ इस तरह साउंड करता है। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था। As you can see, किस तरह से वो एम्बियंस फिल हो चुकी है, लेकिन एम्बियंस जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आता है ये वाला पार्ट जहाँ पर तेरा इंतजार है कुछ और वोकल्स भी बोलती हैं। हाँ तेरा इंतजार है, कहाँ करार है, है तेरी आस ही दिल को हाँ बेशुमार है, बयां करूँ कैसे तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। तो अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा कोरस हार्मनीज बनाने की कोशिश करी है। सिर्फ हार्मनीज को सुनते हैं एक बार कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हो बेसिकली जो मैंने हार्मनीज बनाने की कोशिश करी है, तो जो हमारी मेन वोकल थी जो आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे टेक्स किए थे उन्हीं में से मैंने कोई तीन टेक्स निकाल दिए, रैंडमली निकाले हैं तीनों टेक्स, और उसमें मैंने एक टेक लिया, देख सकते हो ये सिक्स नंबर पर है। सिक्स नंबर पर क्या हो रहा है आइए देखते हैं। तो सिक्स नंबर पर मैंने यहाँ पर डाला है जस्ट एक ऑटोट्यून एक्सेस, ऑटोट्यून आर्टिस्ट का एक छोटा प्लगइन जिसका कम लोड होता है, डी मेजर पर है और रीट्यून स्पीड इसकी मीडियम पर, राइट। और इसको मैंने लेफ्ट पैन किया गया है। जो यहाँ पर सेकंड वोकल आती है इसको अगर हम ओपन करके देखें तो वो है सेवन्थ नंबर पे। सेवन्थ नंबर पे क्या हो रखा है, सेवन्थ नंबर पे मिडल पे है वोकल, सेंटर पे है, कुछ लेफ्ट राइट नहीं है, जस्ट वही सेम ऑटोट्यून एक्सेस इसमें भी डाल रखा है। उसके बाद अगर हम चले थर्ड वाली वोकल पे, उसमें क्या हो रखा है, उसमें भी थोड़ी सी अलग चीज़ है। यहाँ पर इसको पैन किया गया है थोड़ा सा राइट, 50% राइट यहाँ पर दिखा रहा है हिंट पैनल पे, और ऑटोट्यून एक्सेस इसमें भी डाल रखा है। तो ये जब तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद तीनों को मिला के भी मैंने यहाँ पर आई गेस बस बनाई है। तो इसके सारे इफेक्ट्स एक बार ऑफ करते हैं और सुनते हैं कि विदाउट एनी इफेक्ट किस तरह साउंड करता है। तो बिल्कुल बेसिक है, जिस तरह से आपकी वोकल साउंड करेगी रैंडमली वैसे ही साउंड कर रहा है। मैंने सबसे पहले डाला है एक वाइडर प्लगइन जो कि एक फ्री है बाय पॉलीवर्स इन्फेक्टेड मशरूम की तरफ से आने वाला वाइडर प्लगइन, और इसको 80% थोड़ा सा स्प्रेड दिया है। As you can see, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैंजिंग फेजिंग टाइप का इफेक्ट आ रहा है जो काइंड ऑफ मेरे को चाहिए भी था, क्योंकि मेरे को इसको काइंड ऑफ ब्लेंड करना है विद अवर इंस्ट्रूमेंटल, मेरे को चाहिए कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंटल का पार्ट फील हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाला है OTT इसको थोड़ा सा और स्क्वैश करने के लिए। वेल, इतने अच्छे से स्क्वैश भी नहीं हुआ है, बट whatever। आगे हम डालते हैं यहाँ पर वल्हाला रूम और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ हुई है। बयां करूं कैसे? As you can see, यहाँ पर 1 second का डीके है और प्री डिले जो है बिल्कुल सेम उस वोकल की तरह है जो हमने वोकल स्मूथनिंग डिले डाला था, और डेप्थ इसकी फुल 100% पे जा रखी है। मिक्स लेवल इसका करीबन 30% पर है जो कि इसको थोड़ा सा एक एम्बियंस टेक्सचर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक EQ मिड्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा कट करे हैं, हाइज हमारे नेचुरल चल रहे हैं और लो कट यहाँ पर लगाया हुआ है। देख सकते हो किस तरह से मेन बॉडी थी वोकल की वो जा चुकी है, बिकॉज जो मेन बॉडी है वोकल की वो हमको ऑलरेडी उस लीड वोकल से मिल रही है। एंड देन वी अप्लाइड अ लिमिटर हियर जहाँ पे मैंने दुनिया भर का कंप्रेशन डाल दिया, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये वोकल्स बिल्कुल भी डायनेमिक हो, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और एक जैसी चले। बयां करूं कैसे तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। और उसके बाद लास्ट एंड में मेरे को लगा कि मेरे को खुद का भी कुछ चीज़ डालनी चाहिए, सिर्फ करियोके से काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा यहाँ पर क्यों ना हम स्ट्रिंग्स डाल दिए जाएँ। और बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रिंग्स डाली हैं, सिर्फ एक डी मेजर कॉर्ड डाली गई है जो फुली सॉन्ग में प्ले हो रही है। और ये जो हमारे वोकल के डायनेमिक्स है उसको फॉलो कर रही है। तो अगर मैं आपको सिर्फ वोकल सुनाऊँ, इंस्ट्रूमेंटल बंद कर दूँ और हमारी स्ट्रिंग्स, तो आपको फील होगा किस तरह से जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी वोकल के डायनेमिक्स को सपोर्ट करती है। तेरा इंतजार है, कहाँ करार है तेरी आस ही दिल को हाँ बेशुमार है, बयां करूं कैसे तेरा इंतजार है।
तेरा इंतजार है। तो इस तरह से बेसिकली मैंने स्ट्रिंग्स का यूज़ किया है इसमें, थोड़ा सा और टेंशन बिल्ड करने के लिए, थोड़ा सा और ऑर्गेनिकनेस डालने के लिए। और जैसे ही मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, उसके बाद अब बात आती है मास्टरिंग की, कि मास्टरिंग मैंने इस सॉन्ग की, इस कवर सॉन्ग की किस तरह से करी है, राइट। तो मास्टरिंग हर बार की तरह बहुत बेसिक होती है मेरी, मतलब एटलीस्ट कवर सॉन्ग्स के लिए। सबसे पहले मैं डाला है यहाँ पर एक EQ, जहाँ पर मैंने हल्का सा बूस्ट किया है हाई एंड को, हल्का सा बूस्ट किया है मिड्स में, दैट्स ऑल। हाँ तेरा इंतजार है, कहाँ करार है तेरी याद। उसके बाद आई एडेड अ फ्रूटी लिमिटर हियर, जो कि इसको कंप्रेस करने की थोड़ी सी कोशिश करता है। हाँ तेरा इंतजार है, कहाँ करार है तेरी आस ही। बट एज यू कैन सी, यहाँ पर ये कंप्रेस करने के बजाय इसको सिर्फ गेन दे रहा है, और कंप्रेशन के नाम पे मैंने कुछ नहीं छड़ा है यहाँ पे, मैंने सिर्फ लिमिटर पे गया हूँ। सील को थोड़ा सा नीचे कर दिया है -1 dB, जो आई गेस इंस्टाग्राम के लिए सही होता है, और गेन को मैंने बढ़ा दिया है अकॉर्डिंग टू सील, जब तक वो सील पर टच नहीं कर जाता। उसके बाद आई हैव टेकन अ फ्रूटी बैलेंस हेयर जस्ट इस सॉन्ग को फेड इन फेड आउट देने के लिए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर फेड इन लगा हुआ है और यहाँ पर फेड आउट लगा हुआ है, फिर कही तो इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर ये जो फेड ऑफ हो रहा है